पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों कैद किया है अलीफ को? आका, ये महल में ताका झांकी कर रहा था, इसे हमने रंगे हाथों पकड़ा है। अलिफ, यही नाम बताया था ना, क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? मेरे आका ये सब कुछ कर सकता है, आपके अधूरे कामों को भी पूरा कर सकता है, क्योंकि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। दुनिया भर घूमने के बाद कई सारी नायाब जादुई चीजों को इकट्ठा किया है इसने। देखिए ना, इसी पोटली में है वो जादुई नायाब चीज है। सातवें आयाम तक पहुंचने के लिए जो मीनारे हम बना रहे हैं ना, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके वो काम भी हम जल्द से जल्द पूरा कर सकते हैं। अली, बताओ ना हमारे आका को। हाँ, शैतानों के शैतान, शहंशाह शैतान, बताइए कि मैं आपकी कैसे खिदमत कर सकता हूँ। बंदा हाजिर है। आका, वो रोशनी और परवाज के लोग न जाने कैसे महल से भागने में कामयाब हो गए हैं। मतलब अम्मी और बच्चों ने इब्लिस की कैद से निकलने का रास्ता तलाश लिया है। अलिफ, तुम मेरी खिदमत करना चाहते हो तो जाओ, जाओ और जाकर मेरे मेहमानों को वापस लेकर आओ। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें और सिमसिम को अपनी खिदमत का एक मौका जरूर दूंगा। जो हुक्म मेरे आका, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। होश में तो हो तुम सिमसिम? मैं यहाँ अपने लोगों को रिहा कराने आया हूँ और तुम कह रही हो कि मैं अपने फायदे के लिए वापस से उन्हें इब्लिस के हवाले कर दूँ। तुम्हें क्या लगता है अली, अगर तुम अपनों को कैद नहीं करोगे तो इब्लिस चुप बैठेगा? नहीं अली, वो फिर भी अपने शैतानों से तुम्हारे अपनों को कैद करवाएगा। और तुम इब्लिस का यकीन जीतने का ये एक मौका गवा दोगे। तो तुम कहना चाहती हो कि मैं इब्लिस का यकीन जीतने के लिए अपनों को धोखा दे दूं? मत भूलो अली, हमारा मकसद क्या है? इब्लिस का खात्मा। तुमने ही बताया था ना मुझे, इस मकसद में तुम मेरा साथ दोगे, तो अब मेरी बात पर यकीन करो अली। बड़े जंग को जीतने के लिए ये छोटी सी हार बर्दाश्त करनी होगी तुम्हें। हमें जल्द से जल्द यहां से कहीं दूर निकलना होगा, इससे पहले कि इब्लिस की नजर हम पर पड़े। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी। इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? अभी तो शहंशाह शैतान ने तुम लोगों के मेहमान नवाजी भी नहीं किया ठीक से। एक लफ्ज भी मैं नहीं सुनूंगा। तुम सब शहंशाह शैतान की नजर में हो,
इसलिए जरा भी गुस्ताखी करी नेस्तनाबूत कर देंगे वो तुम्हें। ये क्या हो गया अली को? क्या करने की कोशिश कर रहा है? मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी, पर इब्लिस के खात्मे के लिए ये करना जरूरी है। आका, आपके हुक्म से मैंने इन सभी को कैद कर दिया है और मेरे रहते ये सब यहां से भागने की जरूरत नहीं करेंगे, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। तुमने हमारा दिल जीत लिया, तुम वाकई में काबिल इंसान हो, इसीलिए सातों आयाम तक ले जाने वाली मीनारों का काम करने का जिम्मा आज से हम तुम्हें सौंपते हैं। शुक्रिया आपने आका। शायद अली इब्लिस का यकीन हासिल करके उसका खात्मा करने की कोशिश कर रहा है। कोशिश अच्छी की थी आपा, लेकिन क्या करें, अच्छे लोगों की तो तकदीर ही खराब चल रही है। सिपाहियों, इन सबको अलग अलग कैद कर दो। ख्याल रहे इस बार इनमें से कोई भागने ना पाए। जो कि मेरे आका। लेकिन हमारी आपा को नहीं, इनका हम खास ख्याल रखेंगे। चलो। आइए आपा, आपको आपकी खास जगह पे पहुंचा देते हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी, पर इब्लिस के खात्मे के लिए यही तरकीब है मेरे पास, सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। बहुत खूब मेरे जाने दुश्मन, और फिक्र मत करो, ये एक छोटी हार है और ये एक छोटी सी हार बहुत जल्द तुम्हें फतेह दिलाएगी। अपने लोगों की जान को खतरे में डाला है मैंने, अब बस मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इब्लिस का खात्मा। तुम्हारे इस मकसद में तुम्हारा साथ देगी मलिकाए शैतान सिमसिम। सिमसिम, अगर इब्लिस को कोई करीब से जानता है तो वो सिर्फ तुम हो। कोई तो रास्ता पता होगा तुम्हें कि हम इब्लिस का खात्मा कैसे कर सकते हैं। इब्लिस को खत्म करने से पहले तुम्हें उसके सारे शैतानों को कैद करना होगा। जैसे जैसे एक एक शैतान कैद होते जाएंगे, वैसे वैसे इब्लिस की ताकत कम होती जाएगी। दो शैतानों का खात्मा तो तुम कर ही चुके हो, अब बस 12 बचे हैं। 12 नहीं, सिर्फ 11 बचे हैं। अले, तुम मुझे हमेशा हैरान करते हो। शैतानों से हमेशा दो कदम आगे रहता है अली पापा। अब मुझे बताओ कि बाकी के बच्चे 11 शैतानों को कैसे कैद कर सकते हैं। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अब चलो। इब्लिस से भी ज्यादा मुश्किल है सिमसिम से काम निकलवाना। ताकतें चली गई पर गुरूर नहीं गया इसका अब तक। जरूरत ना होती इसकी तो इसे भी आज जादुई आईने में कैद कर देता। अरे अरे अरे, कमाल है, आप तो जागते हुए ख्वाब देख रही हैं, और वो भी परवाज के उस चूहे का। मर्जीना,
आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल जाएगी, और हकीकत यह है कि आप हमारी बेगम बनने वाली हैं, वो भी सिर्फ 14 दिनों में। तो आंखें खोलिए और अपने शौहर का दीदार कीजिए। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।